OB44 अपडेट आ चुका है और क्या हमारी स्प्रिंट बटन ठीक हुई है? चलो हम भी चेक करते हैं भाई। मैंने भी अभी तक इसको चेक नहीं किया, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या हमारी स्प्रिंट बटन ठीक हो गई होगी? भाई मैंने खुद ने 100 से ज़्यादा ईमेल करे थे यार, ठीक तो हो जानी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलो हम गेम के अंदर आ गए ट्रेनिंग में। मैं प्रेस करता हूँ मेरी शिफ्ट। ये क्या भाई, इसे क्यों दौड़ रहा है यार ये? अरे भाई दौड़ना एक बार प्रेस करने पर यार, इसको प्रेस एंड होल्ड करके क्यों रखना पड़ रहा है मेरे को? जैसा मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था वैसे ही मेरे को करके रखना पड़ रहा है। तो गाइस बड़े ही दुख के साथ मेरे को कहना पड़ेगा कि हमारा स्प्रिंट बटन इस बार भी ठीक नहीं हुआ। और अब मुझे नहीं लगता कि ये कभी ठीक भी होगा, क्योंकि अभी ये ठीक होने का चांस ही नहीं रहेगा। इसलिए आप अगर आपके पास अच्छा पीसी है उसमें ब्लूस्टेक्स चल जाता है तो आप ब्लूस्टेक्स को डाउनलोड कर लो और ब्लूस्टेक्स में खेलो। ब्लूस्टेक्स में बहुत ज़्यादा फायदे है। गूगल प्ले भी टाइम ना है, मैक्रो लगा सकते हैं ना, और कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम जो ब्लूस्टेक्स देता है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको शिफ्ट होने में दिक्कत आती है गूगल प्ले भी टाइम से ब्लूस्टेक्स पे, तो मैंने एक ब्लूस्टेक्स की बिगिनर टू एडवांस पूरी सीरीज बना के रखी है। तो एक बार वो पूरी की सीरीज आप देख लेना, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप एक बार देख लेना। और अब हम अदर चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर एक कीबोर्ड वाला ऑप्शन है। तो कीबोर्ड वाले ऑप्शन में देखो ज़्यादा कुछ चेंजेस मेरे को दिख नहीं रहे थे, लेकिन मैंने नीचे देखा तो सबसे नीचे मेरे को एक ऑप्शन दिखा जिसमें नया कुछ आया है पी करके, जिसको आगे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। पी और एन आए, दो नई सेटिंग आई है। इनके आगे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये नई सेटिंग आई है, मतलब कुछ ना कुछ होगा इनसे, लेकिन इनके आगे कुछ लिखा नहीं है कि किस काम की है। ये तो हम जैसे जैसे गेम खेलेंगे तो हमको पता चलता जाएगा। अभी मैंने OB44 के एडवांस सर्वर में बताया था कि 200 सेंसिटिविटी होने वाली है। तो हाँ गाइस 200 सेंसिटिविटी हो चुकी है हमारे इसमें। 100 से ज़्यादा पहले 100 सेंसिटिविटी रहती थी, अब 200 सेंसिटिविटी हो चुकी है। लेकिन पीसी प्लेयर को इससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि पीसी प्लेयर के पास ऑलरेडी हाई सेंसिटिविटी रहती है। इसके बाद कंट्रोल्स में देखेंगे तो भाई इसके बाद कंट्रोल्स में मुझे ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर रन मोड क्लासिक है, मिक्सड है। तो चलो एक बार मैं इसको है ना मिक्सड पे से मैं इसको क्लासिक पर करके देख लेता हूँ, क्योंकि भाई अगर क्लासिक में क्या मालूम ठीक हो जाए। हमारा करके रखा था इसलिए प्रेस एंड होल्ड करके रखा। तो भी चेंज के लिए मैंने व्हीकल कंट्रोल का भी आपको ऑलरेडी बता दिया था, मैंने एडवांस सर्वर आया था तब, इसमें क्या क्या आने वाला है। तो देखो ये व्हीकल कंट्रोल भी हमारा आ चुका है व्हीकल को कस्टमाइजेस करने का। लेकिन ये गूगल प्ले बीटा में कुछ मतलब ही नहीं है, ब्लूस्टेक्स के लिए है। तो वो मैं आपको उसकी वीडियो ला दूंगा। आप हमें सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि गूगल प्ले बीटा ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। अभी देखो यहाँ पर कुछ लाइक वाला ऑप्शन आ रहा है जो रिकमेंडेड करता है आपकी ग्राफिक्स में, उसके आगे आपको कुछ थंब अप जैसा मिल जाएगा कि आपका पीसी के हिसाब से आपकी पीसी की जितने भी है। अभी हाई एफपीएस के आपके यहाँ पर आपको इनहेंस्ड वाला भी ऑप्शन देखने को मिल गया। बाकी साउंड वाले ऑप्शन में मेरे को कुछ ज़्यादा चेंजेस ज़्यादा क्या कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिला। कि नोटिफिकेशन में आपको गिल्ड वॉर न्यूज़ का कुछ ऐसा करके आया है, शायद ये वही है जो हमको बताता है बार बार किसने कितनी ग्लोरी करी। और येलो फ्रेंड टू स्पेक्ट में भी आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल गया है गूगल प्ले बीटा के अंदर, ये पहले गूगल प्ले बीटा के अंदर नहीं था। और उसके बाद ये सब फ्री फायर के सोच ले जो कि अपडेट के बाद देते हैं, फ्री में कुछ रिवार्ड देते हैं, टाइमली रिवार्ड देते हैं, जो कि ना अच्छे रहते हैं ना बुरे रहते हैं। लेकिन चलो ठीक ठाक है, हम क्या करना इससे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार भाई, कर दे भाई, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्योंकि देखो इसके बाद यहाँ पर आए थे हम, तो मैंने पहले आपको बता दिया था ऑनलाइन ऑफलाइन वाला सिस्टम। तो ऑनलाइन ऑफलाइन वाला सिस्टम को मैंने ऑलरेडी आपको एडवांस सर्वर में कवर कर दिया था किस काम का, और आप भी खेलोगे तो समझ जाओगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट अपडेट है जो आपकी प्रोफाइल है। प्रोफाइल के कॉर्नर में आप देखोगे तो वहाँ पर लेवल दिखाएगा, जो आपका अवतार बैनर रहता है उसके नीचे आपको लेवल दिखाएगा। पहले क्या होता था गूगल प्ले बीटा में, हम जो लोबी है मतलब जो हमें प्रोफाइल सेक्शन है यहाँ पर हम इमोट नहीं दिखा पाते, लेकिन इसके बाद हम गूगल प्ले बीटा में अपडेट के बाद हम इसमें इमोट दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर लेवल के नीचे ऐसा लेवल रिवॉर्ड भी दिखाने को मिलता है इसमें। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दिखाया, 10 मेरे क्लेम्ड है, मतलब 10 कस्टम मेरे क्लेम्ड है, इतने सारी चीज़ें मैंने क्लेम कर लिया। लेकिन भाई मेरे पास तो है ही नहीं अभी। ये यहाँ पर मंथली वीकली पेजेस आए, तो ये देखो ये सब पैसे वाले काम है, अपने नज़र डालो ही मत भाई। पैसा अपन तो गरीब आदमी, अपन पे देखते भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया भाई कि कस्टम इतने, तो मेरे पास तो सिर्फ 6 ही कस्टम है जो कि मैंने ऑलरेडी परचेस किए थे वही है। प्ले बीटा और फ्री फायर को दोनों को मिलकर भाई 100 से 200 ईमेल करे होंगे तभी भी जाकर इन्होंने, मतलब मेरे सब्सक्राइबर ने भी किए थे, मैंने भी किए थे, ट्विटर पे भी टेक किए थे, उसके बावजूद भी इन्होंने स्प्रिंट बटन को ठीक नहीं किया। कितना डिसअपॉइंटेड होगा यार। और अगर मैं बात करूँ क्राफ्टलैंड की, तो क्राफ्टलैंड आप अभी भी नहीं खेल पाओगे इसमें गूगल प्ले बीटा में, अगर वो ट्रिक एंड ट्रिक्स जो मैंने बताई उसी से खेल पाओगे। बाकी आप सोशल आइलैंड सब खेल सकते हो। मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा मेल गूगल प्ले बीटा वालों को करी होगी स्प्रिंट बटन के लिए। भाई इसके लिए तो सब्सक्राइब कर दो यार, उन्होंने ठीक करी, इसमें मेरी क्या गलती। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो इसको, नए नए अपडेट के बारे में चैनल को भी शेयर करो।